हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी से होती हैं ये बीमारियां, बिल्कुल भी ना करें नजरअंदाज। आइए हम आपको बताते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना हर व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप इससे कम पानी पीते हैं तो शरीर में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान अक्सर देना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो, नहीं तो अनजाने में आप कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकती हैं। शरीर में पानी की कमी का संकेत गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने और एक्टिव रहने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी होता है। शरीर का लगभग 70% भाग पानी से बना होता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी सेहत पर बुरा असर डालती है। गर्मियों में तो पानी की कमी आसानी से हो जाती है, इसलिए एक्सपर्ट गर्मियों में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर मुंह से दुर्गंध, रूखापन, जोड़ों में दर्द और सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप पानी की कमी से बचना चाहते हैं तो शरीर में ये 7 लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत तुरंत आप पानी पीना शुरू कर दें। आइए आपको बताते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं। पहला, मुंह का सूखना। शरीर में पानी की कमी होने पर मुंह सूखने लगता है। अगर आपका मुंह बार बार सूख जाता है तो समझ लें कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। ऐसे में आप तुरंत जाकर पानी पिएं और जब भी आपका मुंह सूख जाए तो आप पानी जरूर पिएं। दूसरा, ड्राई स्किन। स्किन ड्राइनेस की समस्या सर्दी में होती है, लेकिन गर्मियों में भी स्किन का रूखापन होना शरीर में पानी की कमी के संकेत होता है। त्वचा में पानी कमी होने पर के कारण गर्मी में भी आपकी स्किन जो है बार बार ड्राई हो जाती है। ऐसा होने पर तुरंत किसी डॉक्टर से चेकअप करवाएं और उसके बाद आप पानी भी खूब पिए। अगला, पीला पेशाब आना। अगर आपको भी पीला पेशाब आता है, जलन होती है, यूरिन से बदबू आने लगती है तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर पानी की कमी है। पीला पेशाब आने का मतलब है पूरे शरीर में पानी की कमी होना। इस तरह के लक्षण देखने पर तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवा लें। अगला, कब्ज होना। अगर आपको गर्मी में भी कब्ज की समस्या रहती है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि बार बार कब्ज होना शरीर में पानी की कमी का संकेत होता है। इस मौसम में पेट की गर्मी के कारण पेट खुद ब खुद साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती। दोस्तों, मुंह से बदबू आना। अगर आपके मुंह में थूक न आने के कारण बदबू आने लग गई है तो समझ लें कि पानी की कमी हो गई है। थूक मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। थूक न आने पर बैक्टीरिया बनते रहते हैं और सांसों में बदबू की शिकायत होती है, इसलिए जैसे ही मुंह में थूक बनना बंद हो जाए वैसे ही आप पानी पीना शुरू कर दें। अगली चीज है जोड़ों में दर्द। शरीर में पानी की कमी जोड़ों और हड्डियों के दर्द का कारण भी बनता है। शरीर के कार्टिलेज और रीढ़ की हड्डी के हिस्सों के निर्माण में 80% भूमिका पानी की होती है, इसलिए अगर गर्मियों में जोड़ों में दर्द रहता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। अगली चीज, थकावट होना। गर्मियों में थकावट होना आम है, लेकिन हर समय थकावट महसूस होना और जल्दी जल्दी थक जाना शरीर में पानी की कमी का संकेत होता है। दरअसल पानी की कमी होने पर शरीर खून में से पानी लेने लगता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। इससे आपको बार बार थकावट और सुस्ती महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि यदि आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपको कौन कौन से संकेत मिलने लगते हैं और ये बीमारियां भी आपको पानी की कमी से हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप रोजाना अधिक से अधिक पानी पिए। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिए, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस आयुर्वेदिक उपाय आयुर्वेदिक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगी। धन्यवाद।